I hope that you all would be fine and in good shape. My name is Sadaf Javed, and in this video, I would be going to discuss about the quality assurance tools, that what tools can we use to assure the quality of a certain product, or the quality of a certain product launch, or the quality of anything, or the quality of your process. Hum ye dekhenge ki what are basically the quality assurance tools that assures the quality of a certain phenomena or the product. So when I talk about quality assurance tools, I have certain quality assurance tools which I would be discussing in this presentation. मैं यहाँ पर आप लोगों को read भी करके बताऊंगी और फिर मैं आप लोगों को easy language में समझा कर भी बता दूंगी ताकि किसी किस्म की confusion ना रह जाए. So first, the first quality assurance tool is affinity diagram. Then process decision program charts. It is also known as PDPC. Interrelationship diagrams, tree diagrams, prioritization matrices, activity network diagram, metrics diagram, and quality audits. तो सबसे पहले जिस तरह हमारे पास एफिनिटी डायग्राम की बात की थी, तो सबसे पहले मैं भी आप लोगों से एफिनिटी डायग्राम के बारे में बात करूंगी. सो बेसिकली इट इज़ अ टूल दैट गैदर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लैंग्वेज डाटा. दैट मीन्स आइडियाज और ओपिनियंस और योर थॉट्स और इश्यूज, एंड ऑर्गेनाइज देम इन ग्रुपिंग बेस्ड ऑन देयर नेचुरल रिलेशनशिप. रेंडमली डिफरेंट लोगों को जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो आकर अपने सारे आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, और हम फिर उन आइडियाज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में, या उन ओपिनियंस को या उन इश्यूज़ को हम डिफरेंट ग्रुप्स में रिजॉल्व करेंगे. लाइक कितने लोगों का इशू कॉमन है, कितने मतलब कितने लोगों का क्या क्या इशू है जो कॉमन है, कितने लोगों का कोई इशू डिफरेंट है जो कि कॉमन है. हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उसमें ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल रिलेशनशिप. अगर एक आइडिया दूसरे आइडिया से रिलेट कर रहा है तो हम लोग उस बेस पर उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. इट इज यूज व्हेन वी हैव टू सिफ्ट थ्रू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड इनकरेज न्यू पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग. अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमें एफिनिटी डायग्राम की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ही लार्ज वॉल्यूम के अंदर डेटा प्रेजेंट है और हम लोगों ने न्यू पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो है उसको एक्सप्लोर करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिंपल ड्रेस की ही डायग्राम ले एग्जाम्पल ले लें, तो अगर मैं कहती हूँ लेट सपोज मैंने अपना एक ड्रेस स्टिच करवाना है, तो अगर मैं आप सब लोगों से भी कंसल्ट करती हूँ तो हर बच्चे की उस ड्रेस को स्टिच कराने के लिए एक अपना आइडिया होगा कि मैं इसको इस डिजाइन पे स्टिच करा सकती हूँ या मैं इसको इस डिजाइन पे स्टिच करा सकती हूँ, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. तो मैं क्या करूंगी कि उन आइडियाज को कैटेगराइज करूंगी ग्रुप्स में. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ आइडियाज हैं, मेरे पास इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी इंटू यू नो ग्रुप्स, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए चीजों को सॉर्ट आउट करना. Okay, now I have different steps for creating affinity diagram. Let's see what are the steps that I can use to create the affinity diagram. So the step one is obviously to generate ideas. जब तक आपके mind में ideas नहीं आएंगे, as affinity diagram is based upon your ideas, तो जब तक आपके पास ideas नहीं है आप आगे proceed ही नहीं कर सकते. तो सबसे पहले like हम किसी भी certain product launch के बारे में बात करें, या किसी भी हम certain topic पे, simple topic पे भी बात करें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में ideas generate करने हैं. For example, मैं आपको एक simple सी चीज़ कहती हूँ कि let suppose मैंने एक shampoo जो है उस एक product है मेरी जो कि मैंने उसको सिंथेसाइज करना है. तो अब सिंथेसाइज तो मैंने उसको कर दिया, लेकिन अब उसके डिस्प्ले के लिए मुझे आइडियाज चाहिए कि बॉटल का कलर क्या हो, लेबलिंग ऊपर क्या हो, फॉन्ट क्या यूज हो, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हर बंदे के अपने डिफरेंट आइडियाज होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब सब लोग जो है सबसे पहले दे जनरेट आइडियाज इन देयर माइंड, एंड देन द स्टेप टू इज विल डिस्प्ले दोज आइडियाज. जो सब ने आइडियाज सोच लिए हैं, अब हम लोग आकर उन आइडियाज को डिस्प्ले करेंगे, सब लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, उन आइडियाज के बारे में बात करेंगे. जब सब लोग अपने आइडियाज के बारे में बात लेंगे, उन सब के आइडियाज जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द स्टेप थ्री, व्हिच इज कि हम लोगों ने अब उन सारे आइडियाज को सॉर्ट आउट करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर. ठीक है, अब हमारे पास सारे आइडियाज बन गए हैं. अब हम लोगों ने क्या करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ द आइडियाज हम लोगों ने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में
कैटेगराइज कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप फोर में, विल क्रिएट द हेडर कार्ड्स के हर लाइक तीन चार हमने ग्रुप्स बनाए हैं, तो हर ग्रुप के ऊपर एक हेडर कार्ड का मतलब ये है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ग्रुप में इस टाइप के आइडियाज हैं, इस ग्रुप में इस टाइप के आइडियाज हैं। एंड द लास्ट स्टेप वुड बी ड्रॉ फिनिश डायग्राम्स। और उसके बाद जो भी हम लोगों ने अपने आइडियाज जनरेट किए हैं, हमने उन आइडियाज को ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो हम लोग उसकी एक प्रॉपर फिनिश डायग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें हर बंदे का आइडिया होगा और वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होगा, विच वुड बी वेरी इजी टू सी। और हम लोग उस सब चीज़ को मिक्स एंड मैच करके अपनी प्रोडक्ट का लॉन्च जो है या अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ एफिनिटी डायग्राम वर्क्स। अब यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ द ड्राइंग ऑफ द फिनिश्ड एफिनिटी डायग्राम। अब यहाँ पर एक सुपर हेडर है, लेट सपोज मैं अगर आप सुपर हेडर को निकाल भी दें, क्योंकि हमने सुपर हेडर के बारे में अभी बात नहीं की, तो लेट सपोज आप यहाँ देखेंगे तीन बॉक्सेस बने हैं जिसके अंदर तीन तीन आइडियाज उन्होंने लिखे हुए हैं और ऊपर आप लोगों के पास हेडर है, ठीक है। सुपर हेडर का मतलब ये होता है कि लाइक जो आपके ये हेडर वाले दो ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर आपके पास सुपर हेडर लगा हुआ है, दैट मीन्स उनके आइडियाज का आपस में भी एक नेचुरल रिलेशनशिप डिवेलप हुआ है जिसकी वजह से को हमने एक ग्रुप में प्लेस कर दिया, दैट इज सुपर हेडर ग्रुप। तो इस तरह से आप एक फिनिश्ड एफिनिटी डायग्राम जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। like, अगर मैं आप लोगों को यहां पर कहती हूं कि आपके पास 10 लाइक लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूं आपके पास 9 स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकती हूं कि आपके पास 9 स्टूडेंट्स हैं और आपने एक सोप जो है वो सिंथेसाइज किया। अब आपके पास आपने उसकी पैकेजिंग के लिए आप लोगों ने आइडियाज प्रपोज करने और आपने मुझे एक एफिनिटी डायग्राम बनाकर देनी है, तो ये अब आप मुझे इस तरह से एफिनिटी डायग्राम बनाकर देंगे कि लेट्स सपोज आप तीन तीन आइडियाज जो मिल रहे हैं आपस में एक दूसरे से, आप उनको इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और वहां पे आप आइडियाज लिखेंगे कि क्या है। यहाँ पे तो सिर्फ आइडिया उन्होंने मेंशन किया है ना, आपके क्या आइडिया वो 10 लोग सोच सकते हैं, आप वो सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। सिमिलर आइडियाज को सिमिलर हेडर के अंदर आप लोग प्लेस करेंगे और अगर दो हेडर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में काफी ज्यादा कोरिलेट कर रही है तो उसको आप अंडर अ सुपर हेडर जो है वो कोट कर देंगे। अच्छा जी, तो एफिनिटी डायग्राम के बाद हमारे पास द सेकेंड टूल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज PDPC। नाउ वॉट इज दिस, लेट्स सी। इट इज डिफाइंड एज अ न्यू मैनेजमेंट प्लानिंग टूल दैट सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाइज वट माइट गो रॉन्ग इन अ प्लान अंडर डेवलपमेंट। Counter measures are developed to prevent or offset those problems. By using PDPC, you can either revise the plan to avoid the problems or be ready with the best response when the problem occurs. Up. बेसिकली हम लोग PDPC में क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये एक हमारे पास एक ऐसा मैनेजमेंट प्लानिंग टूल है कि जो जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी हमारा प्लान है या जो भी हमारी प्रोडक्ट लॉन्च है या जो भी हमने प्रोडक्ट सिंथेसाइज किया है इसमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या कहाँ कहाँ ये रॉन्ग है। अब उसको मैं दो तरीकों से सॉल्व कर सकती हूँ कि मुझे पता चल गया कि मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कहाँ कहाँ रॉन्ग है, मुझे पहले से पता चल गया तो मैंने क्या किया, मैंने उनके अगेंस्ट काउंटर मेजर्स ले लिए। मैंने कह दिया ये प्रॉब्लम है कोई नहीं, मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर देती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने एक सोप की पैकेजिंग ही प्रपोज किया लेकिन जब मैंने देखा है तो वो मुझे फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है तो मैं कहूँगी जी ठीक कर दें, सारी पैकेजिंग दोबारा बना दें, फॉन्ट साइज को बड़ा कर दें। दूसरा तरीका यह है कि अब प्रॉब्लम तो मुझे पता चल गया कि फॉन्ट साइज उसका वहां पर छोटा है तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी इट्स ओके इसको मार्केट में लॉन्च होने दो लेकिन आई विल बी रेडी विद द रिस्पॉन्स कि अगर मार्केट से या मुझे अपने कंज्यूमर्स या कस्टमर्स से इस चीज की कंप्लेन आती है जी इसका फॉन्ट साइज इतना छोटा है, सोप का नाम भी नजर नहीं आ रहा, तो आई वुड बी रेडी विद द बेस्ट रिस्पॉन्स। मैं उनको ये भी कह सकती हूँ कि हाँ दैट वॉज द नेग्लिजेंस फ्रॉम आर साइड, अब हम लोग फ्यूचर में जो लॉन्चेस कर रहे हैं उनकी पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट होगी या एनी थिंग लाइक दैट, तो आई वुड बी रेडी फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्स। तो वट इज बेसिकली PDPC, ये एक ऐसी मैनेजमेंट प्लानिंग टूल है जिसके थ्रू आप पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या एरर्स हैं तो या आप उनको कंट्रोल कर लो या आप उनके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स अपना डेवलप कर लो कि अगर आपको कोई कंप्लेन आ रही है तो आप उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स दोगे। PDPC is used before implementing a plan, especially when the plan is large and complex, when the plan must be completed in schedule and when the price of failure is high. ज़्यादातर हम लोग कब PDPC को develop करते हैं कि
प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये डेवलप करते हैं कि लेट सपोज मैं कोई चीज़ प्लान कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले सोच लेती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या क्या मसले आ सकते हैं। और ये ज़्यादातर हम लोग तब सोचते हैं कि जिस जब हमारे पास प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, या हम उसको स्केड्यूल में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या हमारे पास फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास लेट सपोज मैंने सलोन बनवाना है, लेट सपोज, ठीक है। अब मेरे पास इसके लिए दो लाइक एक सलोन मैंने भी बनवाना है और मेरी फ्रेंड है उसने भी सलोन बनाना है। अब मेरी जो फ्रेंड है वो कहती है कि जी मैं अभी मार्केट मार्केट एरिया में एंटर नहीं कर सकती कि वहाँ पर रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करती है कि अपने घर का एक पोर्शन जो है उसको अलग कर लेती है और वहाँ पर वो अपना सैलून स्टार्ट कर लेती है। लेकिन अपना सैलून स्टार्ट करने से पहले वो देख लेती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप घर के अंदर सैलून स्टार्ट कर रहे हो, उस तरह की मार्केटिंग नहीं होगी आपके सैलून की जिस तरह से एक मार्केटिंग एरिया में होगी। ऑब्वियसली जब इतनी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ कस्टमर जो आपके पास आ रहा है वो भी कम होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास कम होगा तो आगे से जो कस्टमर जाकर आपके काम की तारीफ कर रहा है ताकि आगे आपके पास और लोग आए, तो ऑब्वियसली जब आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर कम है तो आगे से वो भी आपके पास कम होगा, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और एज अ रिजल्ट आपको क्या होगा कि जो लोग आपके घर आ रहे हैं आपसे तैयार होने, आपको उनसे चार्ज भी कम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वो बिफोर हैंड देख लेगी, ठीक है, कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, हो सकते हैं, ठीक है, और मैं इन प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ। वो एक बहुत बेहतर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकती है, या वो ये कह सकती है कि यार ठीक है, इट्स ओके, अभी मेरा स्टार्ट है, मैं ठीक है ऐसे भी कर लूँगी। दूसरी तरफ हम उस साइड पे चलते हैं जो लड़की या जो बंदी चली गई हमारे पास मार्केटिंग एरिया में। अब वो भी अपने पहले के सारे इफेक्ट्स देख लेगी कि एक तो मार्केटिंग एरिया में जा रही हूँ तो अगर मैं कोई जगह ले रही हूँ तो उसका रेंट नाना करते हुए 70 to 80,000 पर मंथ होना है। दैट मीन्स स्टार्ट है चाहे उसका, उसको मिनिमम हर महीने कम से कम भी 70 to 80,000 जो है वो अर्न करना है, ताकि और कुछ नहीं तो वो अपने रेंट्स या अपने बिल्स जो है वो उनको पे कर सके। नो डाउट वहां पर उसके कस्टमर का आना जाना ज्यादा होगा और बाकी सब कुछ ज्यादा होगा, लेकिन ये उसका एक ड्रॉबैक है। अब वो क्या करेगी कि वो इस चीज को पहले से ही देखेगी और इसके अगेंस्ट सोल्यूशन डेवेलप करेगी। या तो वो ये हो सकता है कि वो ये कह सकती है कि जी वो पहले ही बात कर ले कि जी फर्स्ट ईयर में आप मेरा रेंट जो है वो 40K लें क्योंकि अभी मेरा बिजनेस अंडर डेवलप्ड है, या समथिंग लाइक दैट। या वो ये कह सकती है कि या मतलब उसके पास अपनी इतनी सेविंग्स हो कि वो इस तरह कर सकती है कि वो अपनी सेविंग्स में से वो कहे ठीक है मैं खुद दे दूंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, हमने प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले ही देख लिया कि हमारे पास प्लान में किस किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं। दिस इज वेयर PDPC इज एक्चुअली यूज्ड। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं देखने के PDPC के हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ट्री डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। ट्री डायग्राम के अंदर हम लोगों ने तीन चीज़ों को मेंशन करना है। एक हम लोगों ने सबसे स्टेप नंबर वन होगा, हम ऑब्जेक्टिव मेंशन करेंगे कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टेप नंबर टू में हम लोग मेन एक्टिविटीज़ को मेंशन करेंगे कि जो हम ऑब्जेक्टिव है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करेंगे। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने टास्क को डिज़ाइन करेंगे कि अब जो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ करनी है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो अब हमारे क्या क्या टास्क हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप एक ट्री डायग्राम को डेवलप करेंगे जिसमें आपके पास तीन मेन चीजें होंगी। फर्स्ट लेवल पे आप ऑब्जेक्टिव शो करेंगे, सेकंड लेवल पे आप अपनी मेन एक्टिविटीज शो करेंगे, और थर्ड लेवल पे आप अपने डिजाइन टास्क जो है वो शो करेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि अब आपने ऑब्वियसली थर्ड लेवल पे अपने टास्क देख लिए कि अब आपका ये टास्क है, तो अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स अब आप अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे और आप आइडियाज जनरेट करना स्टार्ट करेंगे कि ठीक है आप ये तो मैंने सोच लिया लेकिन अब क्या क्या गलत हो सकता है। जैसा मैंने आपको पीछे बहुत एलेबोरेट करके सलोन की एग्जाम्पल दे दी, तो आप सोच लेंगे कि अब यहाँ पर क्या क्या गलत हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने सोच लिया कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर आप ये सोचेंगे कि आप उन प्रॉब्लम से किस तरीके से बच सकते हैं या आप उन प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करेंगे। अगर आप उनसे बच नहीं सकते और प्रॉब्लम आप तक पहुंच जाती है तो आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम से डील करेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये जो प्रॉब्लम्स आपके पास सारी आ गई, इसको आप एज अ फोर्थ लेवल भी मेंशन कर सकते हैं कि फोर्थ लेवल पे आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख दी कि मैं लाइक लेट सपोज ये बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ या ये काम कर रही हूँ तो उसमें मेरे पास ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, या मैं लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की क्वालिटी मैयर कर रही हूँ तो उस चीज़ की क्वालिटी में मेरे पास ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, ठीक है।
अब मेरे पास लेट सपोज पांच प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं हर प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो है वो एक काउंटर मैयर सोचूंगी, हर प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो है ना मैं एक सोल्यूशन सोचूंगी। शायद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हों कि जिनका मुझे कोई सोल्यूशन ही ना समझ आ रहा हो, तो मैं क्या करूंगी कि अपने प्लान में जो पार्ट मतलब उस आइडिया को कंसल्ट करता है वो पार्ट ही मैं निकाल दूंगी वहां से। लेट सपोज मैं कहती हूँ मैं मार्केटिंग एरिया में जा रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को पोस्टपोन कर देती हूँ क्योंकि जी रेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूंगी मैं घर में भी नहीं करूंगी, मैं कहीं पर आसपास का कोई एरिया जो मार्केटिंग एरिया से थोड़ा दूर हो जहाँ पर रेंट थोड़े कम हो मैं वहां पर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं काउंटर एक्शंस देखूंगी, या लेट सपोज प्रॉब्लम मेरे साथ आ जाती है तो मैं उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स डेवलप करूंगी मैं वो देखूंगी। उसके बाद हमने मतलब फोर्थ लेवल पे हमने अपने प्रॉब्लम शो कर दिए, तो फिफ्थ लेवल पे हम अपने काउंटर मैयर शो कर देंगे कि लाइक लेट्स सपोज ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसके अगेंस्ट हम लोगों ने ये काउंटर मैयर जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, अब ये हमारे पास सब कुछ हो गया, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि जो जो हमने उसके अगेंस्ट सोल्यूशन वो बनाया है क्या वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है। कि मैंने अब ये कह दिया कि लेट सपोज मैं पहले 2 महीने का रेंट अपनी सेविंग से दूंगी, तो क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल भी है मेरे लिए कि नहीं है ये प्रैक्टिकल। फिर मैं हर अपने काउंटर मैयर पे ब्रेनस्टॉर्म करूंगी। ठीक है, मैं हर चीज़ को प्रॉपरली चेक करूंगी, अपने कॉस्ट को, अपना टाइम रिक्वायर्ड को, अपनी ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को और अपनी इफेक्टिवनेस को। ठीक है, अब मैं दोनों काउंटर मैयर्स को अलग कर दूंगी। कुछ काउंटर मैयर्स मुझे ऐसे लगेंगे जो कि मुझे लगेगा प्रैक्टिकल हैं, बहुत अच्छे हैं, ये चलेंगे, उनको मैं अलग कैटेगरी में रख दूंगी, और कुछ काउंटर मैयर्स ऐसे होंगे जो मैं कहूंगी ना 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 दीज आर नॉट प्रैक्टिकल, तो उनको मैं अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दूंगी। सो दीज आर बेसिकली द स्टेप्स फॉर अचीविंग अ गुड PDPC। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth and fifth, that means we have total 5 steps to achieve a good enough and an effective PDPC. अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है PDPC की, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग ये भी देख लेंगे, आप लोगों को चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। अब मेरे पास क्या है, बेसिकली मेरे पास मेडिकल एक ग्रुप है जो कि जिन्होंने बेसिकली क्या करना है, मैं आपको रीड आउट भी कर देती हूँ। अ मेडिकल ग्रुप इज प्लानिंग टू इम्प्रूव द केयर ऑफ पेशेंट्स विद क्रॉनिक इलनेस सच एज डायबिटीज एंड एस्थमा थ्रू अ न्यू क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। मेडिकल प्रोग्राम ने क्या डिसाइड किया कि वो एक नया प्लान डेवलप करेंगे ताकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेयर इलनेस है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हो गई या एस्थमा हो गया, क्रॉनिक इलनेस है सॉरी, तो हम लोग उन को किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम एक नया PDPC जो है, हम लोग एक नया क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम CIMP जो है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फोर मेन एलिमेंट्स जो हैं उनको डिफाइन किया कि हमारा जो प्लान है उस पर 4 मेन एलिमेंट्स होंगे और उसके अंदर क्या क्या, हर एलिमेंट के अंदर क्या क्या की कॉम्पोनेंट्स होंगे, उन्होंने उस चीज़ को भी डिफाइन कर दिया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में PDPC की वो डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, हम वहां जाते हैं तो देखते हैं क्या बनाया। अच्छा, ये अब उन्होंने प्रोग्राम जो है वो प्रपोज किया, तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, मैंने जिस तरह आप लोगों से पीछे बात की कि उन्होंने 4 एलिमेंट्स में उसको डिवाइड किया है, तो आप यहाँ देखें कि आपके पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट, डिसीजन सपोर्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिलीवरी सिस्टम रीडिजाइन। पहले आपके पास फॉर एग्जाम्पल आ गया पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट, कि कैसे पेशेंट जो है वो पेशेंट को सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, नीचे उन्होंने और एलिमेंट्स आपको बता दिए, पेशेंट की क्लास, पेशेंट क्लासेस, पेशेंट रिकॉर्ड कीपिंग और पेशेंट गोल सेटिंग। फिर आपके पास डिसीजन सपोर्ट आ गई पेशेंट की, इस तरह से आपके पास 4 एलिमेंट्स आ गए और उन 4 एलिमेंट्स को फर्दर हम जितने एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोगों ने उस तरह से किया। दैट मीन्स हमने क्या किया कि हम लोगों ने अपना एक ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया, उस ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग अपने बाकी जो सारे स्टेप्स हैं वो अकम्प्लिश इजीली करते गए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ्स। तो बेसिकली इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ्स शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड हेल्प एनालाइज द नेचुरल लिंक्स बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है कि आपका क्या कॉज है और उसके अगेंस्ट आपका क्या अफेक्ट हो सकता है, इसके दरमियान में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि मेरा क्या कॉज है और उसका क्या अफेक्ट होगा। ये मेरे पास बेसिकली इंटर रिलेशनशिप
ड्राफ्ट में आता है, ठीक है। और ये हम बेसिकली नेचुरल लिंक्स, मतलब हम सिंपल चीज़ों से लेकर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करने तक इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ जो है वो उनको यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ जो है वो काम क्या क्या करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे पहला काम क्या करता है कि आपके टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनको इनकरेज करता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन पर सोचें, वो डिफरेंट तरीके से सोचें, वो डिफरेंट साइड्स पर सोचें। ये ना हो कि हर किसी के पास एक ही आइडिया हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की जाती है कि हर बंदा बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में सोच रहा होता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास बहुत डिफरेंट कॉजेज निकल रहे होते हैं और हम उनके डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं जो भी हमारे इश्यूज आ रहे हैं, खासतौर पे उन इश्यूज को लेके जो कि ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकते हैं, हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको डिवेलप करते हैं। फिर डिवेलप कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स निकल आए, ठीक है, तो हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे by using a very strong dominant kind of you know team or by a very strong dominant kind of party कि क्या किस चीज़ का क्या effect है, किस चीज़ का क्या cause है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने वही लिखा हुआ है, it allows key issues to emerge naturally rather than to be forced by a dominant or powerful team members के हर बंदे की इतनी strong thinking होगी, वो इतना अच्छे से हर direction में सोचेगा कि एक simple बंदा भी naturally जो आपको problems बता रहा होगा कि यहाँ यहाँ ये cause है और इसका ये effect होगा, वो आपको उसके लिए कोई आपको powerful team member की जरूरत नहीं होगी। हर बंदा आपसे बहुत अच्छे से आपके टॉपिक को या आपके आइडिया को लेकर और डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच के आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इजीली बता पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि फिर ऑब्वियसली जब इस तरह से होगा तो सिस्टमेटिकली आपके पास क्या होगा कि जो आपके एजम्पशंस हैं या अगर कुछ लोग किसी चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं अमंग द टीम मेंबर्स, वो सारी चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी और इजीली आपके सामने आ जाएंगी। और लास्ट में क्या करेंगे कि अलाउज अ टीम टू आइडेंटिफाई रूट कॉज इवन व्हेन क्रेडिबल डाटा डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे कि टीम मेंबर्स को अलाउ करेंगे कि उसका क्या रूट कॉज क्या है, कि मसला क्या है उस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आप लोगों ने वो चीज़ फाइंड करनी है, चाहे कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा, CID समझ लें आप इसको, ठीक है। तो बेसिकली वो इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज एन इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ। कब हम यूज करेंगे इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ? तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हम किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ जो है उसको यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स इशू कहीं पर डिवेलप हो गया है और हमें उसके कॉजेज और उसके अफेक्ट समझते हैं तो वहाँ पर हम लोग इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और वही अगली चीज़ भी आ गई कि व्हेन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इज बीन इम्प्लीमेंटेड, तो उसमें हमें हेल्प करेगा। और उसके बाद वो यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर जनरेटिंग एन एफिनिटी डायग्राम या फिश बोन डायग्राम, वो भी इसी तरह से होती है कि चीज़ों को फिश बोन डायग्राम भी चीज़ों को आपको डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देती है, और ट्री डायग्राम टू मेक टू मोर कम्प्लीटली एक्सप्लोर द रिलेशंस ऑफ आइडिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये डायग्राम्स को डेवलप करेंगे ताकि हमारे आइडियाज़ ईजिली हम लोगों के बहुत आसानी से हम लोग उनको एक्सप्लोर कर सकें और हम उनके बारे में बात कर सकें और डिफरेंट आइडियाज़ के दरमियान में रिलेशनशिप्स जो हैं उनको डिवेलप कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ। अब हमारे पास स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है ड्राफ्ट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हमने सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालनी है कि हम काम किस चीज़ पे कर रहे हैं जिसका हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अब हम सोचेंगे उसके बारे में कि जी इसका क्या कॉज होगा जिसके अगेंस्ट हमारा कोई इफेक्ट जो है वो निकलेगा, ठीक है। स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास आइडियाज आ गए हैं तो हम लोग उन सारे आइडियाज के दरमियान में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे जिस तरह हम लोगों ने शुरू में एफिनिटी डायग्राम में किया था। स्टेप फोर में हम लोग अपनी डायग्राम को एनालाइज करेंगे और स्टेप फाइव में हमारे जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं, हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर हमारे काउंटर मेजर्स हैं या कुछ भी है, वो स्टेप फाइव में सब कुछ हम लोग एट द वेरी एंड कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्री डायग्राम्स। अब ट्री डायग्राम क्या होती है?
ट्री डायग्राम जो है बेसिकली हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स को शो कर रही होती है। ट्री डायग्राम जिस तरह आप समझ लें फ्लोशी डायग्राम को भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास हर जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है। लाइक लेट सपोज मैंने एक चीज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, मैं आपकी सैम्पलिंग से एग्जांपल लेती हूँ, आप मैंने उसको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिवाइड किया, तो दोनों ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है वो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या हो रहा है वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नहीं अफेक्ट करेगा या इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ट्री डायग्राम में हमारे पास क्या होते हैं कि जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं एट अ टाइम वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इसमें बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक चीज़ पे दूसरी चीज़ डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आप लूडो खेल रहे हैं और लूडो में एक दफ़ा आपने डाइस को रोल किया, ठीक है। जब आपने डाइस को रोल किया, लेट सपोज आपका सिक्स आ गया है, तो अब जरूरी नहीं है कि जब आप नेक्स्ट टाइम भी डाइस को रोल करेंगे तो आपका सिक्स ही आएगा। तो दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंसी के पहला आपका जो छः आ गया है वो दूसरे आपके इवेंट पे नहीं डिपेंड कर रहा है, या इम्पैक्ट उसको नहीं कर रहा कि दूसरे इवेंट में आपका छः आएगा या चार आएगा या पाँच आएगा, वो इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। तो दिस इज़ बेसिकली कि हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं ट्री डायग्राम में वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस। दिस इज़ बेसिकली अ बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस टूल, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं BPM सॉफ्टवेयर या सिक्स सिग्मा टेक्निक्स के साथ। ये अब मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, सिक्स सिग्मा टेक्निक्स जो है हमारा टॉपिक है मैं वो आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन BPM हमारा टॉपिक नहीं है। तो उसके बारे में मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि BPM सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, बिजनेस प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे बिजनेस प्रोग्राम्स जो हैं उनको मैनेज करते हैं वो इसके अंदर होता है। और ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मैट्रिसेस, ताकि हम लोग अपना जो क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ का कि हमने विद इन किस क्राइटेरिया के काम करने हैं उसको स्पेसिफाई कर सकें, और हम लोग ये इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ने प्रायोरिटी में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक शैम्पू बनाना है तो मैंने प्रायोरिटी में इस चीज़ को रखना है कि वो मेरे बालों को अच्छा करे, ना कि मेरी प्रायोरिटी ये चीज़ होगी कि जिसकी बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो ये हम लोगों ने किस क्राइटेरिया पर काम करना है और क्या क्या चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सब हम डिसाइड करते हैं प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस में, ठीक है। और इसको भी हम हर जगह से अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको सिंपल इवेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स इवेंट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स का एक बहुत अच्छा खासा रेशियो आता है, कि कुछ लोग किसी बात से एग्री कर रहे होते हैं और कुछ लोग किसी बात से डिसएग्री कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग सारे अपने बाकी डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू वीड आउट डिस इंजीनियस incentives and hidden agendas in the case of project prioritization by promoting consensus. कि अब हमारे पास क्या है कि जो भी hidden agendas हो सकते हैं आपके project में, जो भी और चीज़ें आपके project में या हर चीज़ को बहुत highlight करके फिर आपको बताती है कि अब इसमें ये चीज़ें जो हैं ये आपकी priority होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए secondary होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत से different kinds of prioritization matrices होते हैं, जिस तरह हम अगर simple cases की बात करें तो उसमें हमारे पास different होते हैं, simple हम use करते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस हैं ये दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्राइटेरिया, हम लोग इनको डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ तो मैं आपके लिए ऐसे समराइज़ करूँगी कि प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस जो हैं वो आपको बताते हैं कि आपने जो काम करना है वो किस क्राइटेरिया के अंदर रह के करना है, और कौन से की फीचर्स होंगे जो कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए। तो बेसिकली इसका थीम या इसका एजेंडा जो है वो ये है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपके पास ये फोर पॉइंट्स हैं जिसमें उसने आपको प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, ठीक है जी। तो व्हाट इज एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम? एन एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज दैट शोज द सीक्वेंशियल रिलेशनशिप्स ऑफ एक्टिविटीज यूजिंग एरोज एंड नोट्स। जिस तरह सिंपल आप देखें क्लासरूम में आप बैठ के आप एक फ्लोशीट डायग्राम बता रहे हैं, टीचर आपको चीज बताती है, आप एरो लगाते जाते हैं कि केमिस्ट्री है उसकी ये ब्रांचेज है, आप एरो लगा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम होती है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ एरोज या नोट्स जो है वो डिटरमिन करते हैं। और ये हमें बहुत
बहुत अच्छा अच्छे तरीके से हमारा एक बहुत अच्छा पाथवे डिजाइन कर देती है कि किस किस स्टेप्स में हमारे पास चीजें होंगी, उसके लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा और किस किस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को विद इन टाइम जो है वो कम्प्लीट करेंगे। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल आगे हमारे पास है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है कि सपोज द टीम इज टास्क्ड विद इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ हाउस, द टीम लिस्ट द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, एवरीथिंग फ्रॉम द एक्सकेवेशन स्टेप थ्रू द लैंडस्केपिंग स्टेप्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक घर जो है वो डिजाइन करना है, तो टीम ने क्या किया कि आप एक एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम जनरेट किया जिसमें उन्होंने हर चीज के बारे में बताया, स्टार्ट से लेकर एंड तक माइनर चीजों के बारे में भी और मेजर चीजों के बारे में भी। अब हम देखते हैं कि वो क्या एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है। ये देखिए, ये अब हमारे पास बनी हुई है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। अब ये हमारी टीम ने एक चार्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे जो हमारे पास नोड्स हैं, जो कि आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं उनको हम कह रहे हैं नोड्स हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास मेजर स्टेप्स कितने हैं। तो अगर हम नोड्स काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नोड्स हैं, ABCDEFGHI, जो कि हमारे पास बॉक्सेस हैं वो हमारे नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोड्स मीन जो हमारे पास मेजर 9 स्टेप्स हैं जो कि हमें एक घर को बिल्ड करने में चाहिए होंगे, वो हमारे नोड्स से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। अब एरोस क्या कर रहे हैं, एरोस जो हैं वो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे प्रोसेस को शो करें कि हमारा प्रोसेस कैसा है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले कहती हूँ कि ए जो है, ए वाला लेट सपोज मैं कहती हूँ जो मेरा पार्ट है, उसमें मैंने क्या करना है, मैंने सारी जमीन को लेवल करना है, ठीक है। लेवलिंग करने के बाद बी पार्ट पे मैं क्या करूंगी कि मैं जमीन के अंदर जो है वो खुदाई करूंगी या करवाऊंगी, जमीन के अंदर खुदाई करवाऊंगी ताकि जो जहां पर हम लोगों ने उसके पिलर्स खड़े करने हैं वो जगह स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि ए वाले पे मैं ये करूं कि मैं सारी जमीन को लेवल करा दूं और एंड पे, एंड वाले स्टेप पे मैं जाकर क्या करूं कि मैं वहां पर खुदाई करवा दूं अंदर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब हम इस तरह की डायग्राम बना लेते हैं तो हमारे पास क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, और इस तरह से करते कराते हम इजिली अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट है उस तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है मैट्रिक्स डायग्राम। यहाँ पर मैट्रिक्स डायग्राम में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमने जो भी प्रोग्राम या जो भी हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी हमने रिलेशनशिप डेवलप किए हैं या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बहुत आगे लेकर जाएंगी या हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगी, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं हम लोग उनको कंपेयर करते हैं और हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप उनके दरमियान में फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स डायग्राम। आगे हमें फिगर नंबर 1। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कैसे, अब यहाँ पे देखें आपके पास है लिस्ट नंबर 1, ठीक है, और ये है आपके पास लिस्ट नंबर 2। अब हमने देखना है इन दोनों के आइटम्स का आपस में रिलेशनशिप। तो मैंने जिस तरह से अभी आप लोगों को बताया है कि जो आपके पास सर्कल या ट्रायंगल या इस तरह की चीज़ें हैं वो रिलेशनशिप शो कर रही हैं और जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं वो शो कर रहे हैं कि उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर आप लोग आइटम नंबर 1 को देखें लिस्ट नंबर 1 का, तो लिस्ट नंबर 2 के आइटम नंबर ए आइटम नंबर बी के साथ उसका सर्कल बना हुआ है, दैट मीन्स आइटम नंबर 1 का इन दोनों के साथ रिलेशनशिप है लिस्ट नंबर 2 की। लेकिन आइटम सी पे बॉक्स खाली है, दैट मीन्स लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के आइटम 1 का आइटम सी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर आइटम डी के साथ है, फिर आइटम ई के साथ नहीं है। फिर अगला मैं देखूं तो लिस्ट नंबर 1 का आइटम नंबर 2 जो है उसका लिस्ट नंबर 2 का किसी भी आइटम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि यहां पर सारे बॉक्सेस खाली हैं। तो यहां पे आपने इस चीज को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पर ट्रायंगल बना है, कहीं पर सर्कल बना है। ये बेसिकली उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है रिलेशनशिप को, कि ऑब्वियसली जब आप इसकी प्रैक्टिकल डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर आपके रिलेशनशिप्स लिखे हैं कि ये वाला रिलेशनशिप इसका इससे सिमिलर है, ये वाला रिलेशनशिप इसका इससे सिमिलर है, तो उन्होंने आपको इस तरह से डिनोट कर दिया है। अदरवाइज यहां पे ऑब्वियसली रिलेशनशिप लिखे होंगे तो आप लोगों ने शक्लों को, डायग्राम्स की शक्लों को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आ जाता है क्वालिटी ऑडिट्स। क्वालिटी ऑडिट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, क्वालिटी ऑडिट इज अ प्रोसेस बाय विच यू रिव्यू एंड एवेल्यूएट एन एलिमेंट ऑफ योर बिजनेस टू इंश्योर दैट यू आर मीटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। द स्टैंडर्ड्स वेरी, यू कैन सेट देम और यू कैन फॉलो स्टैंडर्ड सेट बाय योर इंडस्ट्री। अब हम लोगों ने क्वालिटी ऑडिट करना होता है, वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बन गई या अब हम लोगों ने उसको लॉन्च करना है या कुछ भी इस तरह का, तो हम लोग सारे जो मेजर्स हैं हम उसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। इसके लिए मैं आपको सिंपल आप लोगों की यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो HEC के अंडर जो है वो वर्क
फंक्शनिंग कर रही होती हैं, तो जो एचईसी उनको कहता है उन्हें उस तरह से करना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि एचईसी जो है वो मेरी हायर बॉडी है एक, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन जो है मेरी एक अपर बॉडी है और बाकी यूनिवर्सिटीज जो है सारी उसके अंदर जो है वो लोअर बॉडीज के अंदर आ रही हैं। तो क्या होता है कि जो एचईसी ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो स्टैंडर्ड मुझे फॉलो करने हैं। तो क्वालिटी ऑडिट का मतलब क्या है कि मैं इस चीज़ को चेक करूंगी कि वाकई जो एचईसी ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स मैं फॉलो कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या अपने स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम कंडक्ट करने से पहले या नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास क्वालिटी ऑडिट्स जो है वो परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज ये हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग इस चीज को मेक श्योर करते हैं स्टेप में कि जो चीज हमारी मार्केट में जा रही है वो क्या पब्लिक की नीड्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है और सही है यूज के लिए या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोप है, मैं कहती हूँ सोप पे सल्फर का कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली एक लिमिट होगी जिसमें लिखा होगा पीछे कि जी लेट सपोज सल्फर का कंटेंट इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऑब्वियसली आपने जब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रीड किए तो आपने पढ़ा कि सल्फर का कंटेंट उसके अंदर इतना होना चाहिए, तो जब आपके उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी तो ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि सल्फर का कंटेंट कितना है। तो जब तक आपका सल्फर का कंटेंट उतना नहीं होता जितनी हायर अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किया हुआ है, आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च नहीं होती। तो दिस इज़ बेसिकली क्वालिटी ऑडिट, कि क्वालिटी ऑडिट का सबसे मेन पर्पस ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि इट इंश्योर्स दैट द बिजनेस इज ऑफरिंग अ वैल्यू टू द पब्लिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हमारे पास यही होती है जो कि आगे हमारी फ्यूचर सेल्स को भी अफेक्ट करती है कि हमारी पहली चीज़ क्या निकली है। ऑब्वियसली वो हमारी फ्यूचर सेल को भी अफेक्ट करेगी और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर एडवर्टाइजिंग द बिजनेस, कि हम लोग इस चीज़ को बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि जी हमारी जो भी सर्टन प्रोडक्ट है ये जो क्वालिटी सेट किए गए हैं लेट सपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, ये उसके अंडर हैं, तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग उस चीज़ को ज़्यादा परचेज करते हैं एज कम्पेयर टू द चीज़ जो कि टेस्टेड ना हो या जो अंडर द यू नो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना हो। तो ये हमारे पास फॉर द एडवर्टाइजिंग ऑफ बिजनेस जो है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि ऑब्वियसली हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है और हमारा जो बिजनेस है उसको बहुत इंक्रीज और इन्हांस करती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर हम रेगुलर क्वालिटी ऑडिट्स करते हैं तो वो हमारे पास हमारा जो बिजनेस है उसको फ्लरिश करने में बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, क्योंकि अगर हमारी चीज अप टू द क्वालिटी है और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी एज अ रिजल्ट आप उसको जितनी मर्जी दफा उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बनाएंगे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी भी पुअर नहीं होगी। तो एज अ रिजल्ट जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो जो कस्टमर है वो आपकी मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेगा, तो एज अ रिजल्ट आपका बिजनेस जो है वो रेज होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। दैट इज इट फॉर दिस प्रेजेंटेशन, विल सी यू इन सम अदर वीडियो। Thank you.